गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. बच्चे, हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 6.3 की थी. होपफुली आपने कर ली होगी. अगर किसी को कोई डाउट है तो बच्चे ज़रूर पूछना. अब हम करेंगे एक्सरसाइज 6.4, जिसमें क्या है बच्चे, पाइथागोरस थ्योरम. ये आपने अर्लियर क्लासेस में सिक्स में पढ़ी होगी कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है. एक बार देखते हैं हम. पाइथागोरस थ्योरम बियर्स द नेम ऑफ फेमस ग्रीक फिलोसोफर पाइथागोरस. पाइथागोरस थ्योरम किसने दी थी बच्चे? पाइथागोरस फेमस ग्रीक फिलोसोफर थे पाइथागोरस. उन्होंने, ही वॉज बॉर्न इन अबाउट 580 BC. ही गेव अ वंडरफुल रिलेशन बिटवीन द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट ट्रैंगल विच इज जनरली नोन एज पाइथागोरस थ्योरम. उन्होंने एक रिलेशन दिया था किस में, राइट एंगल ट्रैंगल की लेंथ के, साइड्स की लेंथ में एक रिलेशन दिया था, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चे, पाइथागोरस थ्योरम. इन अ राइट ट्रैंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इक्वल्स द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स रिमेनिंग टू साइड. राइट एंगल या फिर राइट ट्रैंगल में बच्चे पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये बेस होता है, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर. हाइपोटेन्यूज के सामने वाला एंगल हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री. और जिस ट्रैंगल में 90 डिग्री का एंगल बनता है वो हमेशा राइट एंगल ट्रैंगल होती है. ठीक है, उन्होंने क्या दिया था कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो ये क्या होती है बच्चे, पाइथागोरस थ्योरम होती है. जैसे देखो, हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी का स्क्वायर बेस बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर. तो ये क्या होती है बच्चे, पाइथागोरस थ्योरम होती है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. ठीक है, उसके बाद है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू साइड देन द ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल एंड द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गेस्ट साइड इज राइट ट्रायंगल. इसमें यही है जो मैंने बताया है कि किसी भी एक साइड का स्क्वायर अगर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के इक्वल हो जाए, एक साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आ जाए, तो जो लेंथ, जो लॉन्गेस्ट साइड होगी, जो सबसे बड़ी साइड होगी, उसका ऑपोजिट एंगल 90 डिग्री होगा. उसका ऑपोजिट एंगल क्या होगा, 90. तो ये क्या होगा बच्चे, हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल. और पाइथागोरस थ्योरम हमेशा इस पे ही अप्लाई होती है, राइट एंगल ट्रायंगल में. पाइथागोरस ट्रिपलेट्स क्या होते हैं बच्चे, 3 पॉजिटिव इंटीजर्स ए बी सी आर कॉल्ड पाइथागोरस ट्रिपलेट्स. जो आपकी पाइथागोरस थ्योरम में साइड्स होती हैं, ये क्या होते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बोलते हैं इन्हें. दैट मीन्स ए स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं, क्लियर हो जाएगा. फाइंड द अननोन लेंथ एक्स इन द फॉलोइंग फिगर. ये देखो, 2 हमें लेंथ इन्हें दी हुई है, हमने एक्स की निकालनी है. कौन सी ट्रैंगल है ये, राइट एंगल ट्रैंगल. हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है, एक्स इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर. मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. 3 की स्क्वायर क्या होती है, 9. 4 की स्क्वायर 16 इक्वल्स टू एक्स की स्क्वायर. 9 प्लस 16 25 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. अब देखो, स्क्वायर रूट कर दो, यहाँ पे स्क्वायर है, ये स्क्वायर यहाँ पे आके रूट बन जाएगा. तो 25 का रूट क्या होता है बच्चे, 5. ठीक है, तो ये इसी तरह करनी है सेकंड भी. एग्जाम्पल 2 देखो, ए बी सी इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट सी. ए बी सी एक ट्रायंगल है, राइट एंगल सी पे बना हुआ है. ए बी 25 है, ए सी 7 है, बी सी हमने फाइंड करनी है. तो सेम ही बच्चे, 2 साइड्स दी हुई हैं, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आपने थर्ड साइड फाइंड कर लेनी है. तो ये बच्चे आपकी एग्जांपल थी, बहुत इजी एक्सरसाइज है. अगर एक बार ट्राई कर लेना, कोई डाउट हो तो हम डाउट सेशन में ज़रूर करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.